तो मॉडिफिकेशन ये है कि ये जो पंप है इसको बदलना चाह रहा हूँ मैं। यही रिस्पॉन्सिबल रहती है सस्पेंशन के स्मूथनेस के लिए। तो इसके बदले में मैं क्या लगाऊंगा वो दिखाता हूँ आपको। ये है ओरिजिनल और ये है मॉडिफाइड। तो मुझे इसको लगाना है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं ये इतनी लंबी है, ठीक है, लेकिन हम इसको लगाएंगे, इसको, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो स्मूथनेस है वो बढ़ेगी। चलिए इसको लगाते हैं। तो पहले तो इसका जो ये ओरिंग है ये इधर लगाएंगे, इसको इधर करेंगे, फिर इसको फिट करते हैं। तो इसको लगाएंगे, देखिए ये है अपाचे का सस्पेंशन के अंदर निकला हुआ पंप, ठीक है ना। तो इसका ये जो होल्स है ना, ये दो होल्स, ये देखिए ये जो होल्स हैं ये इतने छोटे हैं कि इनमें से जब ऑयल निकलता है तो जल्दी से नहीं निकल पाता, ठीक है। और इसके देखिए ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये, ठीक है ना। ये वाला ओरिजिनल है, ये अलग से लिया है, ठीक है। सारा खेल इन्हीं होल्स का है, ओके। तो इसलिए मैं ये चेंज कर रहा हूँ जिससे मेरे सस्पेंशन स्मूथ हो जाएंगे, ओके। तो ये इसको लगाएंगे, अब हम इसको लगाते हैं और फिर आपको चला के दिखाते हैं फिट करके। मॉडिफिकेशन यही है कि मैंने पंप चेंज करी है और स्प्रिंग चेंज करी है। दिखाऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में, उसके अंदर जो स्प्रिंग रहती है उसको भी चेंज किया है मैंने, ओके। तो उसके बाद इसकी स्मूथनेस बढ़ेगी। हाँ, थोड़ी सी हाइट ज़रूर बढ़ेगी पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं हाइट को ऊपर से एडजस्ट कर दूँगा। तो चलिए इसको लगाते हैं। यस। तो ये मैंने सस्पेंशन तैयार कर दिया। तो अब इसका जो आइडल सिचुएशन होती है वो ये है, देखिए ये ऐसे ऐसे चलना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें हम ऑयल डालेंगे, उसके बाद स्प्रिंग डालेंगे। ऑयल में बजाज का यूज़ कर रहा हूँ तो इसके इसको हम नाप के डालेंगे। जो ऑयल डालेंगे हम वो इसमें 140 ml डलता है, इसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 140 ml। तो मेरे पास ये एक जार है, इसमें मेजरमेंट लिखा हुआ है 50 ml तक का है। ये देखिए 50 ml, ओके 50 ml। इसके बाद में फिर ये 40 ml, 30, 25, 20। तो मैं इससे नाप के डालूँगा। ये है सस्पेंशन,
ये है 50 ml। ओके हंड्रेड एम एल हो गया इसके अंदर। अब मुझे 140 डालना था, ठीक है ना, तो लेकिन मैं इसमें 150 डालूँगा। क्यों? क्योंकि इसमें तकरीबन 2 या 3 सेंटीमीटर की लेंथ भी बढ़ गई है, तो मुझे 150 ml डालना पड़ेगा। ऑयल डाल दिया, अब हम इसमें स्प्रिंग डालेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको इसकी ओरिजिनल स्प्रिंग दिखाता हूँ और उसके बाद में फिर जो मैं क्या डालूँगा मैं वो दिखा रहा हूँ। ये है अपाचे की ओरिजिनल स्प्रिंग, ओके, ठीक है ना। ये डल दिए, उसके ऊपर फिर ये एक वॉशर लगता है यहाँ पे, उसके बाद फिर ये, ओके, लेकिन मैं ये नहीं डाल रहा हूँ, ठीक। मैं क्या लगा रहा हूँ वो दिखाता हूँ आपको। ये वाली बड़ी वाली, ठीक है ना, तो ये लगा रहा हूँ, इससे भी स्मूथनेस बढ़ती है। चलिए लगाते हैं। ठीक है, ये लग गया। अब इसको चेक करेंगे चला के। तो मैंने ये दूसरा भी कंप्लीट कर लिया है, जैसे पहले वाला किया था वैसे ही, ठीक है ना। अब इसमें भी स्प्रिंग और वो ऑयल डाल देंगे। इसको भी कंप्लीट करते हैं फिर फिट करते हैं गाड़ी को। ओके, अब स्प्रिंग डाल के इसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए फिट करते हैं इसको। तो हमको ये जो सेटिंग है ना इसकी, क्योंकि ये ऊपर है जानबूझ के रखी है मैंने, इन दोनों को बराबर हाइट तक रखेंगे, यहाँ तक ऊपर रखेंगे इसको, ऊपर का हिस्सा खाली, क्योंकि इतनी हाइट हमारी बढ़ चुकी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी की हाइट आगे से बढ़ जाए, ठीक है ना। तो इसको हम इतना ऊपर रखेंगे और दोनों को सेम कर देंगे, इसकी हाइट भी सेम कर देंगे, इसकी हाइट भी सेम कर देंगे। तो मैं करता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको।
ये देखिए हाइट बराबर हो चुकी है, इसकी हाइट भी बराबर है, इसकी हाइट भी बराबर है, दोनों बराबर कर दिए। अब इसको फिट कर देते हैं।